होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम बैक विथ रिव्यू ऑफ अ प्रोडक्ट एंड दिस टाइम इट इज़ अ हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट नेम्ड वेगा 3-in-1 हेयर स्टाइलर। आई बॉट दिस फ्रॉम नाइका एट ₹1,999। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल एट अदर ऑनलाइन वेबसाइट्स। बाकी अगर आप चेक करते रहोगे रेगुलरली तो इस हेयर स्टाइलर पे आपको सेल भी मिल जाएगी नाइका पे। जैसे हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें 3-in-1 हेयर स्टाइलिंग प्रोवाइड की गई है। मेरा मेजर रीज़न यही था परचेज़ करने का कि अलग अलग हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स को लेने से बेटर है अगर मुझे कोई ऐसा सिंगल हेयर स्टाइलर मिल जाए जिसमें मैं 3 different हेयर स्टाइलिंग्स कर सकूँ। तो मैंने ये बहुत रिसर्च किया, फिर मुझे ये नाइका पे मिला। एंड ऑल्सो नाइका पे मेंशन था कि दिस पर्टिकुलर हेयर स्टाइलर इज़ दी बेस्ट सेलर। एंड ऑल्सो उसकी प्राइसिंग भी अफोर्डेबल है, बिकॉज अगर देखा जाए हम 3 different अगर हेयर स्टाइलर्स परचेज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी प्राइसिंग और कॉस्ट थोड़ी सी हाई हो सकती है। और अगर वही 3 हेयर स्टाइलिंग हमें एक सिंगल रॉड में मिल जाए तो एंड दैट टू फॉर 1,999, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। एंड ऑफर भी इस पर लगता है। लेट्स चेक इन टू द प्रोडक्ट नाउ। एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे ये ऑफ ऑन बटन दिया गया है। जब भी हम इसको स्टार्ट करना चाहेंगे तो यहाँ से हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। आफ्टर दैट जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ना, दिस इज़ अ लॉक बटन। तो दिस लॉक बटन हेल्प्स अस टू स्विच बिटवीन द प्लेट्स। जैसे इसमें 3 different प्लेट्स हैं तो ऑब्वियसली अभी तो ये लॉकड है जैसे आप देख सकते हो। नाउ अब जब मैं एक बटन इसका प्रेस करूँगी ना, हेयर कम्स दी स्ट्रेटनर। सी इसमें सिरेमिक कोटिंग भी दी गई है विच इज़ सेफ फॉर द हेयर्स। नाउ अब हम इसको ऐसे लॉक करेंगे। ऑन द अदर साइड अब इसका ये क्रिम्पर है, देखिए दिस क्रिम्पर। अब हम इसे टोटल लॉक करेंगे एंड दिस साइड कम्स द कर्लर। इट ऑल्सो हैज़ अ 360-degree रोटेशनल कॉर्ड जो कि हम ईजिली मूव कर सकते हैं वायर हेयर स्टाइलिंग। द ओनली थिंग विच आई फेल्ट वॉज मिसिंग हेयर इज जो यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल दिया होता है बटन, बिकॉज इसमें अभी हम टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक अपना टेम्परेचर लेता है एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग हेयर स्टाइल्स। पर्सनली प्रेफर डूइंग क्रिम्पिंग एंड कर्लिंग, बिकॉज जैसे आपको दिख रहा है कि आई हैव सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट हेयर्स तो मुझे स्ट्रेटनर की इतनी नीड नहीं होती है। बट टू मैनेज यू नो, ये जो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बाल होने से यहाँ पे थोड़ी सी फ्लैटनेस ज़रूर आ जाती है, ऐसे फ्लैट लगते हैं समटाइम। टू अवॉइड दिस फ्लैट थिंग मैं क्रिम्पिंग कर लेती हूँ जस्ट यहाँ पे, यहाँ रूट से लेके इस लेंथ तक, बिकॉज इससे नीचे अगर मैं करती हूँ तो थोड़ी सी मुझे ड्राइनेस फील होती है। इवन इफ आई अप्लाई सीरम या फिर मैं हेयर स्प्रे कर लूँ तो वो एक ड्राइनेस तो आती ही है हेयर्स में। और कर्लिंग, बिकॉज आई पर्सनली लाइक कर्लिंग, तो लेट मी शो यू नाउ ईच एंड एवरी प्लेट हाउ इट वर्क्स एंड हाउ योर हेयर्स विल लुक लाइक। Guys like this video, I'll come back with a different video on a different product review for the next time.